ग्रीन मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो आज पूरे देश भर के ग्रीन प्लांट के एसोसिएशन को हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। सो आज बहुत लंबे समय के बाद में हम लोग लाइव मीट करने जा रहे हैं, वो भी ओपन लाइव मीट। सो आज हम पूरा देश दोबारा से कोरोना में पीड़ित है, सब लोगों के जगह पे लॉकडाउन लगा हुआ है। महाराष्ट्र की बात करें तो दिल्ली का कई हजारों लोग वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। पूरे अगर महाराष्ट्र की बात करूँ तो 6.5 लाख कोरोना पॉजिटिव वहाँ पे लोग हैं। कर्नाटका की बात करूँ तो 5.5 लाख लोग हैं वहाँ पे। तो आज मेरा ख्याल देश का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ पे कोरोना का प्रकोप दोबारा से चल नहीं रहा। पिछले साल अगर देखा जाए तो बहुत कम थी हमारी रन रेट, जिससे डेथ जो थी बहुत कम थी। लेकिन इस बार जो देखने को मिल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है। पिछली बार हम लोगों ने देखा कि जो एज्ड थे, जो लोग बूढ़े थे, जो 45 साल से ऊपर थे, उन लोगों को ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में आना होता था। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो आप देखोगे नियर एंड डियर बहुत ही कम आज के बच्चों को भी, जैसे कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 40 साल का है, तो ये सब लोग को भी कोरोना इफेक्ट कर रहा है। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है, हमें इससे बच के रहना है। मैं हमेशा ग्रीन प्लैनेट की आर्मी को हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा अपने घर पे रहो, सेफ रहो। अगर कहीं पे बहुत कई जगह पे तो बहुत सख्त तरह तरह से कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ है। कई जगह पे बहुत अभी भी लोग घूम फिर रहे हैं, उनको लग ही नहीं रहा कि कोरोना है। अगर मैं अपने यहाँ पंजाब में जलंधर की बात करूँ तो हालांकि यहाँ पे जलंधर में पिछले साल के मुकाबले में 4 गुना कोरोना है। उस समय डेली के 150 से 200 लोग कोरोना पॉजिटिव डेली आते थे, आज 500 से 600 लोग डेली के कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन इतना कोरोना फैलने के बावजूद भी लोगों के अंदर खौफ नहीं है, लोग फिर दोबारा भीड़ में इकट्ठे हो रहे हैं। और मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग तो मास्क पहनते ही नहीं है। तो मैं एक सब लोगों को, हमारी ग्रीन पैंट आर्मी को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग, हमें इससे अपने आप को बचाना है, अपने आप को नहीं बचाना है, अपने पूरे परिवार को बचाना है। तो जो लोग भी घरों से बाहर निकलते हैं, प्लीज हाथ से सैनिटाइजर कीजिए अपने हाथों को, मुंह को मास्क लगा के निकलिए। और इसमें किसी भी तरह की, देखिए ध्यान से सुनिए, आप घर से अकेले जाते हैं लेकिन आते हुए कोरोना साथ में लेके आ सकते हैं। सो ध्यान रखिए, जैसे आप घर से अकेले गए थे तो वापस भी घर पे अकेले ही आए। उसके लिए हमें पूरी एहतियात को बरतना होगा, उसको यूज करना होगा। मेरे को दोबारा इसकी बताने की जरूरत नहीं है, सब लोगों को पता है कि हमें किस तरह से अपनी प्रोटेक्शन को करना है, राइट। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि बस हमें इस दौरान अपने आप को इससे बचा के रखना है, क्योंकि ये सेकेंड वेव चल रही है इंडिया में। तो हमें जल्द से जल्द इस वेव को खत्म करना है, ताकि बहुत सारे लोगों की जो डेथ हो रही है, यंगेस्ट की डेथ हो रही है, इन चीजों को ब्रेक लगानी है। ये किसी सरकार का काम नहीं है या किसी और अधिकारियों का काम नहीं, ये हम सब लोग देशवासियों का काम है। अगर हम सब लोग अपने घरों में बैठ जाएंगे और उस लॉकडाउन का पालन करेंगे तो ये वेव जो है वो खत्म हो सकती है। तो मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, हमारी ग्रीन पैन फैमिली की तरफ से आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग कोरोना के इस महामारी के टाइम पे थोड़ा सा अपने आप को प्रिकॉशन में रखो, अपने घरों पर रखो, उन चीजों का पालन करो जो चीजें गवर्नमेंट की तरफ से सब जगह पे फैलाई जा रही है, उनको पालन कीजिए उसको। सो आज हम लंबे समय के बाद में बहुत सारे लोगों के अंदर खौफ आ चुका है कि भाई कोरोना है तो हम बिजनेस कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे। नो डाउट बहुत सारे लोगों को अंदर ये नहीं होता कि पैसा कमाने के लिए हम लोग कर रहे हैं, पैसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं जिनको खाना खाने के लिए, जिनको घर का गुजारा करने के लिए पैसे की जरूरत है। तो हमें काम करना बहुत जरूरी है। सो आज हम लोग एक बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि हर जगह पे यही बात चल रही है, वर्क फ्रॉम होम, घर पे बैठ के काम करो। बहुत सारी कंपनियां बोल रही है घर पे बैठ के काम करो, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं घर के बैठ के काम करो, लेकिन हमारे इंडिया की 90% पॉपुलेशन को यही नहीं पता कि वर्क फ्रॉम होम करना कैसे है। तो आज मैं उसी के ऊपर कुछ पॉइंट्स आपको देने वाला हूं कि किस तरह से हमें वर्क फ्रॉम होम करना है, किस तरह से उन पॉइंट्स को आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे,
अपने आप में इंप्लीमेंट करोगे, काम में इंप्लीमेंट करोगे, तो आप देखोगे कि आपके रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे आपके काम करने के लिए। तो आज ये जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ, इस पॉइंट्स को आप लिखना शुरू कीजिए, अपने हो सकता है अपने साथ में कॉपी पेन रखिए, जो जो मैं पॉइंट्स लिखता जाऊंगा उसको आप नोट डाउन कीजिए। तो सबसे पहले हमें घर पे काम करने के लिए सबसे पहला जो काम है वो है अपने घर के एनवायरमेंट को वर्किंग के हिसाब से बनाना। ये बहुत है। सो सबसे पहले क्या है, क्रिएट ए एनवायरमेंट फॉर वर्किंग, मतलब घर के एनवायरमेंट को काम के लिए तैयार करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होता है, हम घर पे बैठे होते हैं तो कोई इधर से बात कर रहा है, कोई उधर से बात कर रहा है, हम लोग फोन पे लगे हुए हैं, तो आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो नहीं बन पाता, जिसके कारण आपकी एफिशिएंसी जो 100% होनी चाहिए वो केवल 10% रहती है। तो यही कारण है कि लोग घरों में रह के प्रॉपर वे से काम नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पे वो या तो अपने फैमिली के साथ बिजी रहते हैं या फिर वो अपने किसी ना किसी डिस्टर्बेंस में रहते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने घर के इन्वायरमेंट को चेंज करना है जब आपने घर पे करना है काम। तो इसमें सबसे पहले है आपने अपने इन्वायरमेंट में चेंज लाना है ताकि आप अपने घर पे बैठ के काम कर सकें। सो दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गेट ए ऑफिस इन ए होम। तो गेट ए ऑफिस इन ए होम, अपने घर में ऑफिस बनाओ, अपने घर में ऑफिस बनाओ। बहुत सारे लोग कहते हैं सर इसकी क्या जरूरत है। देखिए सबसे पहले जब आप किसी भी काम पे जाते हो, सुबह उठ के आप कोट पैंट पहन डाल के टाई डाल के आप घर से निकलते हो, आप अपने दिमाग में ये चीजें लेके चलते हो कि मैं आज काम पे जा रहा हूं, राइट। तो जब तक ये आपकी सोच नहीं पैदा होगी कि एक एनवायरमेंट ऑफिस वाला क्रिएट नहीं होगा, आपके घर के किसी भी कोने में, चाहे वो कोई भी कोना हो, बेशक 5x5 फीट का कोना हो, उसमें एक टेबल लगाकर और एक कुर्सी लगाकर आप अपना एक ऑफिस बनाओ जहां पे आपको कोई बंदा डिस्टर्ब ना सके। उस वहां पे जो जो भी आपको चीजें चाहिए, अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो कंप्यूटर होना चाहिए, राइट। अगर आप मोबाइल पे कॉलिंग काम करते हो तो आपके लिए कॉलिंग होनी चाहिए, या आपको जो फाइलें हैं आपकी जिसके आपने ऊपर काम करना है, वो सारी चीजें आपकी एक जगह पे पड़ी होनी चाहिए, ताकि आपको ऐसा लगे कि जैसे ही आप उस एरिया में एंटर किए तो आपको लगना चाहिए कि मैं ऑफिस में एंटर हो गया, राइट। तो आपके अपने घर में एक ऐसा एरिया बहुत जरूरी है ये डिजाइन करना। जब तक आप ये एरिया डिजाइन नहीं करोगे तब तक आपका मेंटली तौर पे आप कभी भी रेडी नहीं हो पाओगे कि घर पे बैठे बैठे काम की एफिशिएंसी जो है वो 10% ही रह गया। अगर आप लोग चाहते हो 10% से 100% तक अपनी एफिशिएंसी को लेके आना, तो इन चीजों को अप्लाई करो। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बोला कि अपने घर में ही एक छोटा सा ऑफिस बनाओ, चाहे वो किसी भी कॉर्नर में हो, जहां पे आपको ये फील होना चाहिए वहां पे आप हो सकते हो तो अपने बैनर लगा दो, प्रोडक्ट्स को रखो, फाइल्स को रखो, सब चीजें वहां पे रखो, राइट। इसको इतना बढ़िया ढंग से बनाओ ताकि आपको फील हो कि मैं एक अच्छे बिजनेस में एक अच्छी जगह पे बैठा हूं, और हो सकता है वहां पे आप अपनी पिक्चर्स खींच उसको क्लिक करके अपनी डाउनलाइन में अपने जितने भी टीम में उनमें स्प्रेड करो, ताकि वो लोग भी आपको देख के अपने घरों में अपने ऑफिस बनाए। जैसे बहुत सारे हमारे एसोसिएशन के सेट्स के पास घर में उन्होंने मिनी वेयर हाउस लिया हुआ है, उन्होंने बहुत छोटे छोटे ऑफिस बनाए हुए, वहीं पे आप अपना एक ऑफिस सेटअप कर सकते हो। तो ये ऑफिस सेटअप से ही आप मेंटली रेडी हो पाएंगे किस तरह से आप बेस्ट काम कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि कीप डिफाइन योर आवर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग कहते हैं यहां हमने घर में काम करना है, तो जो आवर्स हैं आपके वो डिफाइन होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं सोचता हूं 10 बजे से लेकर 12 बजे तक मॉर्निंग में काम करूंगा, राइट। ये डिफाइन होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं घर पे बैठा हूं, जब कॉल आ जाएगी तो मैं काम कर लूंगा, अगर कॉल नहीं आई तो मैं नहीं करूंगा। तो आप कभी भी प्रॉपर एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने प्रॉपर एफिशिएंसी से काम करना है तो आपको आवर्स, जैसे ऑफिस में आवर होते हैं ना आपके, कि 9:30 जाना है तो 5:30 आपका क्लोज होगा ऑफिस,
तो एक उस आवर के अंदर आपके अंदर एक ऑरा रहता है, आपके अंदर एक ऐसा एनवायरमेंट रहता है जिसके कारण आप उसको उसके अंदर रह के एक बढ़िया परफॉर्मेंस क्रिएट करते हो। तो इसी तरह आपको अपने घर में भी आपको एक आवर्स फिक्स करने होंगे, मे बी वो 2 घंटे हो, 5 घंटे हो, 10 घंटे हो, वो डिपेंड्स ऑन योर वर्क। आपके काम के हिसाब से आपको डिफाइन करना है कि आप कितने घंटे काम कर सकते हो। अगर ये भी डिफाइन नहीं है तब भी आपकी एफिशिएंसी नहीं आएगी, क्योंकि जब आपने अपने आप को डेली, ये भी नहीं है कि आज 10 से 12 काम कर लिया, कल मेरा मन किया मैं 2 से 4 कर लूंगा, परसों मेरा मन किया मैं 5 से 7 कर लूंगा, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही फिक्स टाइम, जो भी आप इजीली आपको जो बेस्ट रहे उसको फिक्स कीजिए, उसको फिक्स करके उसके ऊपर वर्क ऑन कीजिए, राइट। जब तक ये आप करोगे उसके आप देखना इसके रिजल्ट विद इन 21 डेज, जैसे इस चीजों की आपको आदत पड़ेगी आपके जो रिजल्ट्स हैं मोर देन आपके सोच से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि आपकी सोच उस तरह से होगी, उस तरह से आप वर्क करने का स्टार्ट करोगे। सो नेक्स्ट पॉइंट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम लोग घर में बैठते हैं तो हमें लगता है कि हम लोग कुर्ता पजामा पहन के या नाइट ड्रेस पहन के या घर के जो भी कपड़े हमें मिलते हैं उसमें हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं। आप ध्यान रखिए, जैसे ही आप ड्रेस कोड में आते हो आपके अंदर का बिजनेसमैन जाग जाता है। जब आप कुर्ते पजामे में रहोगे, नाइट सूट में रहोगे, घर के कपड़ों में कैजुअल में रहोगे, आपको क्या लगेगा कि मैं ठीक है जी, जितना वो एफिशिएंसी नहीं आएगी जो एक बिजनेसमैन पर्सनालिटी में एफिशिएंसी चाहिए। सो हमें सबसे पहले जैसे ही हमने अपना बिजनेस को स्टार्ट करना है, काम को स्टार्ट करना है, तो हमें ड्रेस कोड में आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी आपकी ड्रेस है, आप कोट पैंट पहनते हो या फिर एक टी शर्ट पहनते हो ग्रीन पैंट की, जो भी आप, आपको लगना चाहिए कि जैसे ही मैंने वो ड्रेस कोड पहना तो आपको लगे कि मैं आई एम ऑफिस में चला गया हूं, राइट। तो वो फीलिंग्स आपके अंदर आनी चाहिए, जैसे वो फीलिंग्स आने शुरू हो जाएंगी तो आपके अंदर का जो बिजनेसमैन है ना वो बाहर आके उसकी एफिशिएंसीज को आपको बढ़ाना शुरू कर देगा। तो ये मोस्टली 99% लोग ये गलती करते हैं कि ड्रेस कोड नहीं होता, वो कैजुअल रहते हैं, कोई बिस्तर पे लेटा हुआ है, कोई बेड पे लेटा हुआ है, इसमें एफिशिएंसी नहीं आएगी, राइट। तो जैसे ही आप ड्रेस कोड में जाओगे तो आपकी एकदम से सोच बदले कि मैं एक कहीं ऑफिस में बैठा हुआ हूं। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये एक और आती है पॉइंट, जो अभी लास्ट पॉइंट मैं जिसको बोलने जा रहा हूं, फोकस ऑन योर वर्क। राइट, सो सबसे पहले क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने काम के ऊपर, जैसे ही आपने काम आज करना शुरू किया तो आपको पता होना चाहिए आज मैंने क्या काम करना है, उसके ऊपर फोकस्डली काम करना है। ये नहीं है मैं थोड़ा सा कैजुअल सा हो गया, थोड़ा सा मैंने देखा कि मैं बच्चों के साथ में भी फ्री काम कर रहा हूं, साथ में दूसरा भी कर रहा हूं, नो। जब आप काम कर रहे हो, जो भी आपने टाइमिंग सेलेक्ट की है, मान लीजिए 10 से 12 आपने 2 घंटे काम करना है, तो 2 घंटे में ना तो जैसे आप ऑफिस में रहते हो ना ही वाइफ होती है, ना ही बच्चे होते हैं, ना ही कोई और होता है, इसी तरह आपको डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ वो काम करना है। और जैसे आप फोकस के काम करोगे तो 8 घंटे की एफिशिएंसी केवल 2 घंटों में आप निकाल दोगे। तो ये फोकस बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नॉर्मली जब हम घर पे रहते हैं, आजकल इंटरनेट का जमाना है तो घरों में भी स्मार्ट टीवी लगे हुए हैं, या बहुत सारे लोग इंटरनेट के ऊपर फेसबुक या किसी बहुत सारी चीजों के साथ बिजी रहते हैं, या बहुत सारे लोग तो आज कोरोना की डेट में न्यूज पे न्यूज देखते जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि मैं ये खुद हूं, एक जितनी जरूरत है, राइट, जो टीवी और न्यूज जो भी आप देख रहे हो उसको एक लिमिट आपने तय करनी है कि इतनी लिमिट में ही देखना है। ये नहीं है आपके पास आज बहुत 24 घंटों में 24 घंटे घर पे हो तो आपने 16 घंटे टीवी पे लगा दिए, राइट। तो जैसी न्यूज आप सुन रहे हो, जैसा टीवी देख रहे हो, आपके जो आइडियाज हैं वो वैसे बनने शुरू हो जाएंगे। अगर न्यूज में नेगेटिव आ रहा है तो आप नेगेटिव सोचना शुरू कर दोगे, राइट, फ्यूचर खत्म हो जाएगा, राइट। सो उनको आपने मिनिमाइज करना है, लिमिटेड करना है। मैं नहीं कहता कि न्यूज देखना जरूरी नहीं है, बिल्कुल दुनिया की खबर रखनी बहुत जरूरी है,
और टीवी देखना इंटरटेनमेंट के लिए बहुत जरूरी है, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसको लिमिट कीजिए। जैसे ही आपने 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे का टाइम ऑफिस के लिए रखा है, ऐसे ही 2 से 4 घंटे का टाइम आप अपने टीवी में देख सकते हो, राइट, या न्यूज में देख सकते हो। तो ये सारी चीजों को आपने एक डिजाइन करना है, तब जाके ये वर्क फ्रॉम होम चलेगा। अदरवाइज अगर आप सोचोगे कि आज मैं कैजुअल में सुबह उठा, ब्रश किया और फोन पकड़ लिया और काम होना शुरू हो जाएगा, आपकी एफिशिएंसी, काम तो करोगे आप लेकिन एफिशिएंसी नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में एक चीज इंपॉर्टेंट है, अपग्रेड योरसेल्फ, राइट। अगर आज आपको 10 से 12 आप काम कर रहे हो, 2 घंटे या 3 घंटे काम कर रहे हो, उसके बाद में भी अगर आपके पास 1 घंटा 2 घंटे मिलते हैं, तो उसमें आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए। आपको जहां पे लगता है कि मेरे के अंदर कौन सी कमी है या मेरे के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे को सीखनी चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट के रिलेटिंग हो, चाहे वो मार्केटिंग के रिलेटिंग हो, इन सब चीजों को आपने अपनाओगे, तब जाके आप अपने घर पे बैठकर एक अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हो। तो अगर इन चीजों को आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो 100% देखता हूं, गारंटी देता हूं आपको, आपकी एफिशिएंसी 10-20% से ज्यादा नहीं आएगी। अगर इन चीजों को आप फॉलो करोगे, तो आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली आप 100 को टच करना शुरू कर दोगे। तो अभी हम लोगों ने बात की कि वर्क फ्रॉम होम किस तरह से, जो एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करना है, ये सारे जो पॉइंट अभी आप लोगों ने नोट किए वो है अपने एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए। अब हम जो सेकंड पॉइंट है वो लिखने है, आप लिख सकते हो सब लोग, व्हाट वर्क टू डू, घर पे काम करना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं करना क्या है, हम लोग बैठ जाते हैं, हमने एक साइड पे कॉर्नर पे टेबल लगा लिया, वहां पे बुक्स रख दी, फाइलें रख दी, प्रोडक्ट रख दिए, सब कुछ रख दिए, लेकिन करना क्या है। तो इसमें आपको मैं 3 हिस्सों में आपको बताने वाला हूं कि करना क्या है। तो पहले पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो काम है आपका, तो आप क्या करोगे कि आप एक लिस्ट क्रिएट करोगे एक न्यू मेंबर्स की। जब भी आपके पास घर पे आप बैठे हो, जो भी आपने टाइमिंग की, जो शेड्यूल हमने फिक्स किया, उसके अंदर हम लोग करेंगे एक लिस्ट बनाएंगे। वो लिस्ट जो है न्यू मेंबर्स की होनी चाहिए, जैसे जो आपको, जिसको आपने डाटा इकट्ठा करना, जो लास्ट मैंने वीडियो में बोला भी था, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको डाटा इकट्ठा करना है। तो आप बहुत सारे जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं तो वो एक्सेल के ऊपर एक डाटा बना सकते हैं, राइट। तो उसमें ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितनी लंबी आपकी ये लिस्ट होगी, उतना ही बिजनेस आपका बड़ा होगा, राइट। तो जितने लोग आपके के पास डाटा आपके पास ज्यादा होगा, उतना ही आपका बिजनेस बड़ा होने वाला है। तो आप इसके दौरान अपनी लिस्ट को इंक्रीज कर सकते हो। बेशक आप लोगों से, दोस्तों से अपने नंबर लो किसी से, या किसी और, बहुत सारे वेबसाइट से नंबर मिल जाते हैं, बहुत सारे लोग आपको डाटा बेचते हैं, बहुत सारे तरीके हैं अपने लिस्ट को बड़ा करने के, राइट। तो सबसे पहले आप लिस्ट बनाओगे और न्यू मेंबर्स की, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोग तो इंडिविजुअल हैं वो लोग तो खुद अपने लिए बनाएंगे, लेकिन जिन लोगों की टीम है उनको ये काम बहुत जरूरी है, उनको हेल्प करना है अपने दूसरे जो टीम मेंबर्स हैं, जो आपके डाउन के टीम मेंबर हैं, उनको आपने हेल्प करना है कि वो लोग भी अपनी ये लिस्ट को बनाए, क्योंकि उनको बिल्कुल नहीं पता कि करना क्या है। तो आप उसको उन 10 से 12 या 10 से 2 बजे तक, जो भी 3-4 घंटे आपने काम करने के रखे हैं, उसके अंदर अपनी टीम मेंबर्स को फोन करके बोल सकते हो कि आप अपनी लिस्ट बनाओ, राइट। तो बार बार आप बोलोगे तो डेली उनको चेक करो कि आपने कितने बनाए, वो कहेगा मैं दिन में 10 बनाए या 20 बनाए। तो जितने भी आपने उसने लिस्ट क्रिएट की, आप उसको फॉलो अप ले सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी टीम के अंदर आपने खुद को लिस्ट बनानी है, अपनी टीम वालों को बोल के डेली उनको उनकी लिस्ट बनानी है। सेकेंड पॉइंट जो है, ये लिस्ट बनाते हुए 2 चीजों का बहुत ध्यान रखना है। लिस्ट बनाते समय इसकी कैटेगराइज बहुत करनी है आपने। कैटेगराइज मतलब कि जिस बंदे को आप फोन नंबर या नाम लिख रहे हो, वो कौन सा बिजनेस कर रहा है, खेती बाड़ी का कर रहा है, एग्रीकल्चर का कर रहा है, बिजनेसमैन है, हेल्थ केयर में है, मार्केटिंग में है, कौन सा बिजनेस में है, मेल है, फीमेल है, कौन सी एज है, ये पूरा का पूरा डाटा अगर आप बनाओगे तो आपको झट से पता चल जाएगा कौन से लोग हैं, लेवल के जो लोग हैं जो ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके बिजनेस के अंदर।
तो ये डाटा आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा आने वाले दिनों में, आप शुरू से ये बना कर। और तीसरी चीज ये है, अगर उसमें आप क्रिएट कर सकते हो उन लोगों को, जब आप कॉल करते हो तो एक कॉलम जरूर रखो कि इतने से इतने आपके पास, उनके पास क्या फ्री टाइम है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम उनके जो बिजनेस आर होते हैं उसके अंदर फोन करते रहते हैं, वो लोग काटते रहते हैं जहां वो सही ढंग से बात नहीं करते, राइट, आपको टालने की कोशिश करते हैं। तो आप उनसे पूछ सकते हो कि सर आप कब आपका फ्री टाइम है, तो जो भी उसका फ्री टाइम होगा, मान लीजिए वो कहता है 5 to 7, मैं 5 से 7 बजे तक फ्री हूं, तो आप उसके आगे लिख सकते हो 5 to 7 के अंदर ही मैंने इसको कॉल करनी है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा फ्रूटफुल टाइम रहता है। तो नॉर्मली क्या होता है, हम गलत टाइम पे लोगों को जब कॉल करते हैं तो लोगों का रिस्पॉन्स जो होता है वो नेगेटिव रहता है या लो रहता है, तो जिसके कारण हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने बहुत सारी लीड तो जनरेट की लेकिन उस लीड के अंदर हमें उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाया। तो ये चीजों के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी लीड जनरेट करनी है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उनका फ्री टाइम कब है, जब वो हमें सही ढंग से सुने। तो ये कैटेगरी लिस्ट होनी चाहिए, कैटेगरी वाइज होना चाहिए, और ये आपका फ्री आवर आपके पास होने। अगर ये आप चीज अपने एक्सेल में लिख लेते हो तो बहुत बेहतरीन हो रहेगा, क्योंकि जब भी आप उसको फिल्टर लगा के किसी भी ढंग से आप उसको अपना वो लिस्ट निकाल सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो चीज है, हमें अपनी डाउनलाइन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्कशन करनी है रेगुलर। उनके अंदर डिस्कशन, रेगुलर डिस्कशन होनी चाहिए आपकी कि किस तरह से हम लोग अपने बिजनेस के अंदर वो क्या कर रहे हैं, उनकी फैमिली कैसी है, राइट। आप एक लिस्ट बना सकते हो कि इस बंदे को मैंने हफ्ते में, हर लोगों को आप वीकली टच में जरूर रहे, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में पूछो, फिर उसके बाद में उसको वो डेली क्या कर रहा है, क्या उसका एक्टिविटीज है काम करने की, तो आप उसको जज कर सकते हो किस तरह से वो कौन से टाइम में बेस्ट टाइम कर सकता है। तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये वाला टाइम हम लोग दोनों कन्वर्सेशन में रखेंगे जिससे हम लोग बेहतरीन काम कर सके। तो जैसे ही आप अपनी डाउनलाइन के अंदर बार 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 कॉल करके उनके हर बंदे का अपना अपना एक डाटा क्रिएट करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इतने से इतने स्लॉट वाले कितने लोग हैं, इतने से इतने स्लॉट वाले कितने लोग हैं, तो आपका जो एफिशिएंसी लेवल वो और ज्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि जो लोग आपको सुनने वाले हैं वो लोग फ्री होंगे और उन्होंने आपको टाइमिंग दिया होगा कि हाँ जी आज कमल जी सर का फोन आने वाला है, तो वो पहले से रेडी रहेगा। जैसे कि आज हमारी लाइव मीट चल रही है तो आप सब लोग पहले से कई दिनों से रेडी हो कि कमल जी सर की जी एनुअल अपना ऑनलाइन मीट होने वाली है, लाइव मीट होने वाली है। तो जब तक आप किसी को टाइमिंग नहीं दोगे या वो आपको टाइमिंग नहीं देगा तो वो रेडी नहीं रहेगा मेंटली तौर पे। तो ये आप जब डिस्कशन में रहोगे तो आप वो टाइमली रेडी रहेंगे आपको सुनने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक और चीज है, तीसरा पॉइंट क्या है, ट्रेन योर टीम, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपने अपनी टीम को ट्रेंड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ट्रेंड कैसे करना है यार, राइट। तो इसके ऊपर भी मैं आपको अभी नेक्स्ट पार्ट के अंदर बताऊंगा कि जब भी आप लोगों के साथ डिस्कशन में रहते हो तो आपने हर एक जो आपके अंदर न्यू मेंबर्स हैं या पुराने मेंबर्स हैं या जितने भी आपकी टीम है उसका लेवल चेक करना है, उनको किन किन चीजों की जरूरत है। तो इन चीजों के फॉर एग्जांपल, क्या उनके पास लिटरेचर पूरा आ चुका है, क्या उनके पास सारी की सारी वीडियोस हैं, क्या उनके पास प्रोडक्टों के बारे में कितनी नॉलेज है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन से बंदे को कितनी नॉलेज होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इन तरह से आप क्या करोगे, ये पूरा वर्क आपने अपनी टीम के साथ लोगों को ट्रेन करने में, लोगों को डिस्कशन करने में, ताकि उनकी जो रेगुलर एक्टिविटीज है उसके ऊपर काम करने में, और उनका जो है लिस्ट क्रिएट करने में और उसके ऊपर वर्क करने में, ये सारी चीजें हैं। सो अभी तक आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि हम अपने घर पे बैठ के काम किस तरह करते हैं, किस तरह क्या क्या काम करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि घर में बैठ के आपने अपने डाउनलाइन में लिस्ट क्रिएट करनी है, अपने न्यू कस्टमर्स को कॉल करनी है, अपने डाउनलाइन की जो टीम मेंबर है उनको कॉल करनी है। अब मैं इन दो चीजों को, दोनों को अलग अलग दो हिस्सों में बांट रहा हूँ, एक नए कस्टमर से बात कैसे करनी है और अपने डाउनलाइन की टीम मेंबर के साथ में कैसे बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने न्यू कस्टमर से बात कैसे करनी है। तो सबसे पहले जब हम लोग न्यू कस्टमर से बात करते हैं, वही सेम आप हल्का सा कैजुअल होके कि उसकी हेल्थ के बारे में जान सकते हो, उसकी फैमिली हेल्थ के बारे में जान सकते हो, और साथ में
मकसद क्या होता है इनसे बातों करने का, आपने उन शुरुआती बातों में ये फाइंड करना है कि कस्टमर की नीड क्या है। फॉर एग्जाम्पल वो किस बिजनेस से आधारित है, वो कहता है जी मैं एग्रीकल्चर से आधारित हूँ, कौन सी फसल लगा रहे हो, ये वाली फसल लगा रहा हूँ, कितने यूरिया डाल रहे हो। ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस पुट कीजिए लोगों को। नॉर्मली क्या होता है इंडिया में, हम लोग उल्टा काम करते हैं, हम उसको बोलने नहीं देते, हम ज्यादा से ज्यादा खुद बोलते हैं। तो हमें ये नहीं पता चल जा सकता है कि जिससे कि वो आदमी अपने दिमाग में क्या सोच रहा है। अगर आपको ये पता करना है कि दूसरे के दिमाग में क्या है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर क्वेश्चन को पुट करना है। तो आप बार बार उसको क्वेश्चन पुट कर सकते हो, उसकी हेल्थ के रिलेटेड के बिजनेस के अंदर है, कौन से बिजनेस में आप हो, वो कहे मैं हेल्थ में हूँ, कौन से प्रोडक्टों को सेल कर रहे हो, ये है। तो आपको ये जितने ज्यादा क्वेश्चन पुट अप करोगे तो आपको पता चल जाएगा उसका पूरा का पूरा सिनेरियो जो है उसकी लाइफ का आपके सामने आ जाएगा। तो बातों ही बातों में आपने ऐसे क्वेश्चंस को पुट करना है, आपको पता लगना चाहिए कि इसको कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है, या वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है या वो किसी प्रोडक्ट के को ढूंढ रहा है। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, क्यों नहीं अच्छी है, क्या चीज में प्रॉब्लम आ रही है, वो कह रहे मेरे पेट में प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है। ये सारी चीजें को आप जब पूछोगे तो आपको, जब ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा इस बंदे को, इस व्यक्ति को कौन सी नीड है, कौन सी चीज की जरूरत है। आप फिर उसको पता चलने के बाद में आप उसको इसका सोल्यूशन दे सकते हो, राइट। अगर आपको ही उसकी नीड नहीं पता चले तो आप सोल्यूशन क्या दोगे, तो आप क्या करोगे। अगर आपको किसी भी कस्टमर की नीड नहीं पता है तो आप फिर एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दोगे, मेरे पास, हम लोग ग्रीन पैंट से हैं, हमारे पास हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, हमारे पास ये ग्रुप रूम रे सारे प्रोडक्ट हैं। तो वो दैट इज द पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, नॉट फॉर सॉल्यूशन पार्ट। 99% लोग एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर देते हैं। और आप देखो घर में जब आप टीवी देख रहे होते हो तो जब भी आपके घर में ऐड आती है तो आप स्किप कर देते हो उसको, मोबाइल पे ऐड आती है स्किप कर देते हो, क्योंकि लोग ऐड को देखना पसंद नहीं करते। तो फिर भी हम लोग ज्यादातर लोगों के अंदर क्या करते हैं, सुनते नहीं है उनको, हम लोग अपना ही बोलना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको क्या बोल रहा हूँ, आप ज्यादा से ज्यादा उनको जब क्वेश्चन करोगे सुनना की कोशिश करिए, आप उसको ये जानने की कोशिश कीजिए कि उनकी जरूरत क्या है, चाहे वो प्रोडक्ट रिलेटेड हो चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो। अगर आपको ये फाइंड करने में आप कामयाब हो गए तो समझ लो 80% काम आपका सॉल्व हो गया, 80% आपको, आप उसको इजीली कवर कर सकते हो। तो जैसे आपको नीड पता चली आप उसका सोल्यूशन दे सकते हो। अगर उसको हेल्थ की कोई दिक्कत है तो आप हेल्थ के प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट लगना है उसको सोल्यूशन दे सकते हो। अगर उसको एग्रीकल्चर में दिक्कत है तो एग्रीकल्चर दे सकते हो। अगर वेटनरी में प्रॉब्लम है तो वेटनरी दे सकते हो। मान लीजिए इन चीजों की लगावा बिजनेस की जरूरत है तो आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। तो सबसे पहले उसकी नीड जगेगी तो आप उसके सोल्यूशन देने में सक्षम रहेंगे। तो जितने ज्यादा सोल्यूशन आप दोगे उतना ही बेटर वो आपके ऊपर उसका कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा, वो लगेगा कि ये बंदा जो मेरे को बता रहा है ये सोल्यूशन मेकर है। अदरवाइज आप बिना उसकी नीड पता किए जब उसको प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू करोगे तो आपको लगेगा ये बंदा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, ये सेल्समैन है, ये सोल्यूशन मेकर नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि आपने सोल्यूशन मेकर बनना है, ना कि हमें सेल्समैन बनना है। तो सेल्समैन को लोग भगा देते हैं, लेकिन जो सोल्यूशन मेकर होते हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, ये सारे सोल्यूशन मेकर्स हैं, तो लोग हम इनके पास खुद चल के जाते हैं। तो हमें सेकंड पॉइंट क्या है, सोल्यूशन देना है। और जैसे ही आपने उसको सोल्यूशन दिया, राइट, तो तीसरा पॉइंट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएगा कि आप उसको रिटेल कर सकते हो प्रोडक्ट को, राइट। सबसे पहले क्या किया आपने, फाइंड नीड, फिर उसके बाद में क्या हुआ, आपने उसका सोल्यूशन दिया, एंड देन हम आपको, आप उसको रिटेल कर सकते हैं, राइट। तो जैसे ही रिटेल में गए हम लोग तो हम उस प्रोडक्ट को बेचा, फिर हमारा काम रहेगा सिर्फ फॉलो अप का। तो जैसे रिटेल करने के बाद में हम उसको फॉलो अप करेंगे तो देन क्या होगा, हमारा रिजल्ट आएगा, राइट। तो जैसे ही हमारा फॉलोअप के बाद में रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के बाद में आपके पास अपॉर्चुनिटी, अगर मान लो आपने ग्रो बेचा है, रिटेल किया है, या ब्लूम रिटेल किया है, या हेल्थ केयर का विट एंड फिट, कुछ भी एनीथिंग, या इम्यूनिटी बूस्टर आज के दिनों में चल रहा है तो वो रिटेल किया है, इन सब को आप जब रिटेल करने के बाद में रिजल्ट आने के बाद
आप उसको एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर सकते हो, फ्यूचर की क्या कर सकते हो ग्रीन प्लान के साथ, ग्रीन प्लान में जुड़ने से क्या फायदे हो सकते हैं, इन सब बातों को आप आगे बढ़ा सकते हो। तो ये सारी चीजें चैनल क्या बनाया है, ये एक नए कस्टमर के साथ बात करने का चैनल है, राइट। तो बहुत ही आसान ढंग है ये, तो अगर आप इसको इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपको इजीली 10 में से मिनिमम 7 to 8 कस्टमर आपके साथ में स्टक होंगे। बस इसमें सबसे की पॉइंट एक ही है, आपने कस्टमर की नीड को जानना है बस, राइट। सो अभी तक आप सब लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से हम लोगों ने घर पे बैठ के काम कैसे करना है। सो अभी जो है मेन पॉइंट, तो सबका क्वेश्चन है, बहुत सारे लीडर्स का मेरे को क्वेश्चन आते हैं कि सर हम अपनी टीम को डेवलप कैसे करें, हम टीम को मल्टीप्लाई कैसे करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो चीजें हैं आप सब लोग इनके ऊपर पूरा ध्यान, जो अभी मैं अभी आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं इसके ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, राइट। तो पहला क्या था, हम लोगों ने एक न्यू कस्टमर को कॉल कैसे करनी है, उसके साथ बातचीत कैसे करनी है। अब मैं बात करने जा रहा हूं अपने टीम मेंबर्स को डेवलप कैसे करना है घर पे बैठकर, राइट। तो सबसे पहले हम लोग इस पार्ट के अंदर पॉइंट 1 पे लिखेंगे कि हमें, जैसे मैं आपको शुरू में बात बोला था ना कि हमने अपने लोगों को ट्रेन करना है, तो राइट, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ट्रेन योर टीम। किसमें आपको करना है, प्रोडक्ट की नॉलेज में या बिजनेस के अंदर, जो बोथ, दोनों के अंदर, राइट। तो इन दोनों के अंदर ट्रेन करना है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं सर वो तो खुद ही ट्रेन हो जाएंगे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी आप किसी भी आप लीडर्स का, अपने टीम मेंबर्स का नाम लिखिए, उनको आप एक एक प्रोडक्ट के ऊपर डिस्क्राइब करना शुरू कीजिए। फॉर एग्जाम्पल ग्रो के ऊपर आप बातचीत करना चाहते हो तो पूरे दिन आप ग्रो के ऊपर बात कीजिए, दूसरे दिन बात कर रहे हो पूरे दिन ब्लूम के ऊपर बात कीजिए, तीसरे दिन प्रीमियम के ऊपर बात कीजिए। तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि बार बार अपनी टीम के अंदर प्रोडक्ट कैसे हैं, हेल्थ के प्रोडक्टों के ऊपर बात कीजिए। तो जितने ज्यादा डेली 2 के ऊपर बात कर सकते हो तो लोगों को प्रोडक्ट्स के ऊपर, कंपनी की प्रोफाइल के ऊपर, कंपनी के पूरा किस तरह से हिस्ट्री के ऊपर पूरा ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। जब तक वो लोग ट्रेंड नहीं होंगे वो लोग सब हैंडीकैप रहेंगे, आपको आवाज लगाते रहेंगे कि सर आप आओ, आप हमें बिजनेस करो, आप आओ, आप लोगों से बात करो। तो ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला जब तक आप उनको ट्रेन नहीं करते, क्योंकि उनके पास लिस्ट है, डेटा है, लोग उनको जानते हैं, लेकिन वो किस तरह से लोगों को कन्वर्ट करें अपनी ग्रीन प्लान फैमिली के अंदर, उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो हमें उन लोगों को ट्रेन करना है। तो सबसे पहले अपनी टीम को ट्रेन करना है प्रोडक्ट के ऊपर, हर एक प्रोडक्ट के इन उसके अंदर क्या है, किस तरह से वर्किंग करता है, किस तरह से हम रिजल्ट ले सकते हैं। तो नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग मीटिंग में उनको बता देते हैं जी ग्रो क्या करता है, जी ग्रो में हम ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, प्रीमियम हम लोग जमीन के लिए यूज करते हैं। नहीं, एक एक सेंटेंस में नहीं, मिनिमम मैक्स सिंपल मिनिमम 10 से 15 लाइन्स, पूरी लाइन्स होनी चाहिए आपकी, 10 से 15 लाइन होनी चाहिए एक प्रोडक्ट के ऊपर। बेनिफिट की बात नहीं कर रहा हूं, बेनिफिट अलग से 20 आपके 20 बेनिफिट्स ऐसे होने चाहिए आप उसको बता सको। तो अगर आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हो तो एक एक प्रोडक्ट का एक आप लिखो, कंपनी के पास बहुत सारा लिटरेचर है, बहुत सारे लोग उसको पढ़ते ही नहीं है, तो आप उसमें देखो, उसको पढ़ो और उसके अंदर देखोगे आप 10-15-20 लाइनें जो आपको अच्छी लगती है उसको लिखो, या गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो, जो भी आपको पास नॉलेज है उसके आप इजाफा कर सकते हो, उसके नीचे आप बेनिफिट। तो ये पूरा का पूरा एक पेपर रेडी करके आप उसको व्हाट्सएप कर सकते हो या उसको बाय मेल जो जिसी भी किसी भी तरह आप उनको भेज सकते हो। तो ऐसे अपने पूरी टीम मेंबर को एक एक करके हर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देनी शुरू करो। अब नॉलेज देने में तो हम बहुत लोग मास्टर हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि हम लोगों को सुनते कम है, बोलते ज्यादा है। तो हम लोग बोलते जाते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि उस व्यक्ति को, उस बंदे को जिसको मैंने ये प्रोडक्ट के बारे में समझाया उसको कितना समझ आया। आप उससे पूछोगे कि आपको समझ आ गया, वो आगे से क्या बोलेगा, हाँ जी बिल्कुल समझ आ गया जी, राइट। तो हमें लगता है कि हमने अपना काम पूरा कर दिया, नहीं, ये काम पूरा नहीं हुआ, ये वन साइड सिंगल ट्रैफिक एरिया है, राइट। हमें 2 साइड कम्युनिकेशन चाहिए, मतलब जितने लेवल पे आपने समझाया है क्या उसी लेवल तक उसको समझ आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे सेकंड स्टेप जो है आपका, ट्रेन करने के बाद में हर तीसरे दिन, एवरी थर्ड डे, आपने उससे
लिसनिंग करनी है उस प्रोडक्ट के बारे में जो भी आपने उसको ट्रेन किया है। सो हर तीसरे दिन उनको सुनना है कि अगर आपने ग्रो ब्लूम नाइट्रोकिंग के बारे में बताया तो वो क्या बोलना है। वो आधा घंटा बोल पाते हैं, 10 मिनट बोल पाते हैं या 2 मिनट बोल पाते हैं, तो आप उससे ये जज कर सकते हो, इस लेवल को देख सकते हो कि भाई ये जो बंदा है अभी तक मेरी बातें कितनी समझ पाया है, क्या मैंने जो 100% दिया था उसमें से 10% इसने ग्रैप किया या 20 किया या 50 किया या 70 किया। सो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपने दिया आफ्टर 2-3 दिन के बाद में उसको बोलो इसके ऊपर वर्कआउट कर, वर्कआउट करने के बाद में हर तीसरे दिन के बाद में उस प्रोडक्ट के बारे में सुनना शुरू कर दो। और जैसे ही आपको रिजल्ट 70% क्रॉस होने शुरू हो जाए तो समझ लेना कि वो बंदा ट्रेन होने के शुरू हो गया है। जैसे वो 70% क्रॉस करता है तो आपको लगता है कि हाँ मेरे से 70, धीरे 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 आफ्टर एक्सपीरियंस वो बंदा ऑटोमेटिकली 100% तक वो टच कर जाएगा, राइट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उन लोगों को ट्रेन करना है प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, जो भी उनकी क्वेरीज है वन बाय वन। ये नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ समझा दोगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपने पूरा एक 20 साल का इतिहास 20 मिनट में बता देते हो, तो 20 मिनट का बंदा जो आप बताते हो तो वो 2 मिनट का याद रखता है। तो 2 मिनट के अंदर वो जब किसी बंदे को ग्रीन प्लैनेट की हिस्ट्री 2 मिनट में समझाएगा तो क्या वो नया कस्टमर उसके साथ जुड़ पाएगा, क्योंकि उसको खुद को नहीं पता है, वो छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान देगा। सो इसलिए आपने उनको ट्रेन करना है। और तीसरा जो है, आपको क्या पता लगेगा कि उसका जो नॉलेज लेवल जो है कहां तक पहुंचा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके टीम मेंबर जो हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनका लेवल क्या है, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, उनका प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज लेवल क्या है, उनका प्लान के ऊपर नॉलेज लेवल क्या है। तो जैसे ही आप उनका नॉलेज लेवल को जज करना शुरू कर देते हो तो आपको ये चीजें सीधी कंप्लीट होनी शुरू हो जाती हैं कि इस बंदे को प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा कम नॉलेज है तो मैं इसको प्रोडक्ट की नॉलेज दूंगा, इसको हेल्थ के प्रोडक्टों के ऊपर ज्यादा नॉलेज कम है इसको मैं हेल्थ के ऊपर दूंगा, या इसको बिजनेस प्लान के ऊपर नॉलेज नहीं है मैं उसको दे दूंगा। तो जब तक आप उनसे सुनोगे नहीं आप इसका पैरामीटर नहीं बना सकते कि उनको किस तरह से समझ आया है। तो इसलिए फॉर एग्जाम्पल जैसे ही आप करते हो तो उनको अलाउ करो कि आप नए कस्टमर से बात करो। जैसे आपको लगता है कि 70% क्रॉस कर गया वो, तो उनको अलाउ कर दो कि वो अदर पीपल को, आजकल लॉकडाउन है तो आप फोन पे बात करेंगे, तो उनको कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर उसको अलाउ करो कि तू समझा। तो जैसे ही आप कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर रहोगे तो आप वो जब दूसरा बंदा उसको समझा रहा होगा तो एक तो आपका आपको पता चल जाएगा उसका लेवल क्या है, सेकंड अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेरी आ जाती है जो उसकी नॉलेज से बाहर है तो आप उसको उसको हैंडल कर सकते हो। तो ये दोनों चीजें, ऐसे ही 10 15 20 50 कॉन्फ्रेंस कॉल करोगे तो वो बंदा जो 70 से 90 तक आ जाएगा। तो धीरे 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 हमें लोगों को ट्रेंड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे लोग करते हैं मैंने फॉर्म भर दिया कहानी खत्म। भाई साहब फॉर्म भरने का मकसद है वो आपके स्कूल में एडमिशन ले रहा है, काम शुरू होता है उस समय ना कि काम खत्म हो जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं मैंने 5,000 में ज्वाइन किया, 10,000 में ज्वाइन किया या किसी भी तरह उसको फ्री में ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद में काम खत्म। काम खत्म नहीं है मेरे भाई, काम उस समय शुरू होता है। हमें वो हमारे स्कूल में एडमिशन ले लिया उसने, अब हमारी ड्यूटी बनती है हम उसको ट्रेन कितने समय में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेन करते हो 6 मंथ में, कुछ लोग ट्रेन कर देंगे 2 महीने में, कुछ लोग 2 साल में ट्रेन कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जितने लंबे समय तक आप ट्रेन कर पाते हो इसका मतलब आपका स्कूल उतना घटिया है, राइट। अगर आपका मास्किंग अच्छा लेके आना चाहते हो तो आपका ट्रेनिंग लेवल बहुत बढ़िया होना चाहिए। हमें खुद को भी अपग्रेड करना है, अगर जिन जिन प्रोडक्टों के बारे में हमें खुद को नॉलेज नहीं है उनको हमें सीखना है, आप कंपनी से सीख सकते हो, कंपनी के डॉक्टर से सीख सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें हमें सीखनी है, राइट। तो जैसे ही वो बंदा कॉल्स के ऊपर काम करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूं, अगर 10 बंदों को उसने कॉल की उसमें से केवल 2 लोगों को ही वो रिटेल में मच्योर कर पाया या उसको डील फाइनल हो पाई, और जैसे वो 70% को क्रॉस करना शुरू हो गया इट मींस वो बंदा आपके लिए एक ऐसा डायमंड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, आने वाले 1-2 साल के अंदर वो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में आगे सामने आएगा। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट रूप से आपके साथ काम करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी जगह से कहां से कितना बिजनेस आ रहा है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके अलावा जैसे ही वो 70 क्रॉस कर गया, वो आपको पता चल गया कि ये बंदा 70% लीड जनरेट कर रहा है, लीड जनरेट कर रहा है, लीड जनरेट कर रहा है, तो उस समय राइट टाइम है उसके गोल्स के ऊपर काम करने में। यहां पे बहुत सारे लोग प्रॉब्लम आ जाते हैं, हम लोग जाते पहले गोल लगाना शुरू कर देते हैं, जैसे ही ज्वाइन किया उसको पूछते हैं तेरे को क्या चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, ठीक है लिख अपना मर्सिडीज का गोल। अरे भाई साहब मर्सिडीज तो चाहिए, उसका पाथवे तो बनाओ पहले, तो हमें सबसे पहले पाथवे बनाना है। और जैसे लग गया आपको कि पाथवे बन गया, अब भैया मेरे घर की सड़क अच्छी बन गई, अब मैं मर्सिडीज ला सकता हूँ, राइट। तो हमें जो पहले काम क्या किया, हमने अपने लोगों को ट्रेंड किया, हमने अपने लोगों को बार बार 3 दिन के बाद में उसको लिसन किया ताकि उसका लेवल क्या है, लेवल कम है तो दोबारा उसको ट्रेंड किया, फिर सुना, फिर ट्रेंड किया, फिर सुना। तो धीरे 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 जैसे वो 70% क्रॉस होते हैं तो हमें पता चल जाएगा ये लोग इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि उनको लोगों को आपकी जरूरत, अपने सीनियर की जरूरत नहीं होगी, वो अकेले इंडिपेंडेंट लोगों के साथ काम कर सकते हो। और जैसे वो इंडिपेंडेंट होते हैं देन आपका टाइम स्टार्ट होता है उस समय वहां पे अपनी टीम का गोल सेट करने का। तो फॉर एग्जाम्पल तब उसको पूछो कि आज तू इंडिपेंडेंट हो चुका है, अब बता तुम्हारा गोल क्या है। वो कहता है 50,000 है मेरा, 1,00,000 है, मर्सिडीज गाड़ी है, व्हाटएवर जो भी उसका गोल है लाइफ का, उस गोल को अचीव करवाने में उसकी हेल्प करो। बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने तो इसको ज्वाइन किया था या उसको ज्वाइन किया था, अब वो अपनी मर्जी से धीरे 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 बढ़ता जाएगा। नहीं, जो भी उसने गोल लिया है हमें अपनी टीम या अपने सीनियर्स का हमारा दायित्व बनता है हम उनको ट्रेन करें, उनको उसकी हेल्प करें उसको गोल को अचीव करने में। और जैसे ही पहले जरूरी नहीं बड़ा गोल, पहले शॉर्ट गोल, छोटा गोल रखो आप, छोटा गोल कुछ भी बनाओ उसका। फॉर एग्जाम्पल चाहे उसका मोबाइल का गोल हो, चाहे उसका 2-व्हीलर का गोल हो, चाहे वो छोटी गाड़ी 3-4 लाख की गाड़ी का हो, छोटा गोल उसको अचीव करवाओ। पर्पस क्या है उस गोल को अचीव करवाने का, जैसे आप उसको हेल्प करके उसका अचीव करवाओगे उससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उसको लगेगा कि भाई मैं अकेला अपने गोल को अचीव कर सकता हूं। एक अचीव किया मोबाइल का, फिर दूसरा बाइक का कर लिया, तीसरा 3-4 लाख की गाड़ी का कर लिया। जैसे आप 2 से 3-4 गोल उसको अचीव करवा दोगे देन उसके गोल कौन से होने वाले हैं, 10 लाख के, 20 लाख के, 50 लाख के, 1 करोड़ के। अब वो धीरे धीरे उन गोल्स की तरफ जैसे ही वो बढ़ेगा उसी तरह आपकी टीम डेवलपमेंट होने शुरू हो जाएगी, राइट। तो ये सिर्फ जो बिजनेस है ट्रेन टू ट्रेनर का बिजनेस है, लोगों को ट्रेन करने का बिजनेस है, अपनी टीम्स को। ये राइट टाइम है लॉकडाउन के अंदर आप अपनी टीम्स को ट्रेन करने में लगे रहो। पहले हो सकता था आप रिटेल में लगे हुए हो, लोगों के कस्टमर में फॉलोअप में लगे हुए हो, तो आज की जहां किसी मीटिंग या ट्रेनिंग या वर्कशॉप में लगे हुए हो, आज की डेट में तो आप अपने घरों में बैठे हो ना। अपने घरों में बैठकर ये राइट टाइम है अपनी टीम की लिस्टिंग करो, राइट, कौन सा बंदा कौन से लेवल पे है, उसका लेवल चेक करो कि उसको प्रोडक्ट के बारे में कितनी नॉलेज है, उसको हेल्थ केयर के प्रोडक्ट में कितनी नॉलेज है, होम केयर के प्रोडक्ट में कितनी नॉलेज है। बहुत सारे लोगों को तो हमारे प्रोडक्टों की भी नॉलेज नहीं है कि कितने प्रोडक्ट ग्रीन प्लैनेट बना रही है और कितने प्रोडक्ट बेच रही है, उनको केवल यही पता है ग्रो ब्लूम नाइट्रोकिंग प्रीमियम बस या भूमि पावर, इसके अलावा ये भी नहीं पता है कि हमारे वहां पे होम केयर प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। तो इस तरह से आप सारी नॉलेज जो है इस लॉकडाउन के दौरान हम लोग फेस टू फेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने ड्रेस कोड क्यों कहा, क्योंकि जैसे ही आप वीडियो कॉल पे ऊपर बात करोगे, फेस टू फेस होकर बात करोगे, एक ड्रेस कोड में बात करोगे, तो उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन जाएगी। वो पहली बार दूसरी बार हो सकता है कैजुअल बैठा हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसको बोलना कि भाई पहले अपनी ग्रीन प्लैनेट की टी शर्ट ड्रेस कोड में आ, तो उसको भी आदत पड़ेगी कि अपने घर में किस तरह से बात करनी है, उस अपने घर में रह के काम कैसे करना है। और जैसे आप उसको काम करवाओगे ऐसे वो नीचे काम करवाएगा, तो आप देखोगे धीरे 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 आपकी जो टीम है इंडिपेंडेंट टीम होती जाएगी। और मैं देख रहा हूं कि हमारे बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत जबरदस्त रिटेलिंग का पावर है, रिटेलिंग बहुत बढ़िया कर लेते हैं, ज्वाइनिंग बहुत बढ़िया कर लेते हैं, लेकिन वो लोग आगे उनको डेवलप नहीं कर पाते। डेवलप करने का यही एक सिस्टम है, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको लिसन करना पड़ेगा। लेकिन वन वे तो बहुत सारे लीडर वन वे करते हैं, बहुत सारे लोग लीडर ट्रेनिंग कर रहे हैं, 2-2 दिन की ट्रेनिंग कर रहे हैं, 1-1 दिन की ट्रेनिंग कर रहे हैं, दैट इज द वन वे ट्रैफिक। हम तो दे रहे हैं उनको,
हमें ये थोड़ी पता चल रहा है कि वो कितना ग्रैप कर रहे हैं, तो हमें ये सेकंड वे जो है जो हमारी तरफ इनपुट आ रही है वो करना बहुत जरूरी है। ये 1-to-1 हो सकता है कि हाँ मैंने वो ट्रेनिंग की है, तो उसके बाद में 1-to-1 कॉल करके पूछ सकते हो भैया क्या सीखा आपने, कितना आ गया आपको, तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द लेवल योर टीम। तो जैसे ही आपकी टीम का लेवल इंक्रीज होगा वैसे ही आपकी इनकम और आपका लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप अपनी इनकम को इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको अपनी टीम का लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इनकम में सफल हो जाते हो, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मेरे को पता है आप लोग सब अपने घरों में बैठ के ये काम कर सकते हो। इसमें कोई मैंने ऐसा कोई पॉइंट नहीं बोला कि जो आपको बाहर जाके या महंगी चीज, आपके पास मोबाइल आपके पास है, व्हाट्सएप आपके पास है, जूम आपके पास है, आप किसी भी सोशल मीडिया के और वीडियो कॉल्स के अंदर आप ये काम कर सकते हो और इजीली ढंग से काम कर सकते हो। तो लेकिन ध्यान रखिए, पहले डिफाइन कीजिए कितने घंटे ग्रीन पैंट का काम करना है, कितने घंटे हमने मिशन को प्रमोट करना है, उतने घंटे अपने आप को डोनेट कर दीजिए, अपने आप को पूरा का पूरा, कहते हैं ना हम लोग दे देते हैं आवर्स देते हैं, उस पूरे मिशन को आप दे दो, राइट, डिपोर्ट कर दो अपने आप को, इतने घंटे मैं घर वालों का नहीं हूं, इतने घंटे मैं मिशन का हूं, राइट। तो इस तरह से आप इस लॉकडाउन के अंदर बहुत बढ़िया ढंग से, बहुत बढ़िया ढंग से अपनी टीम को अच्छे ढंग से डेवलप कर सकते हो। सो ये कुछ चंद ऐसे पॉइंट्स थे जिससे मैं चाहता हूं कि ये आप इन लोगों को अपनी जिंदगी के अंदर लाओ, ताकि आप इनको और ज्यादा अपनी टीम को डेवलप कर सको। इस कोरोना के काल में आप अपने घरों में बैठकर बड़े चेक बना सको। तो आगे हम लोग बहुत जल्द एक बहुत बड़ी सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिससे हम ये जो छोटे छोटे मैंने पॉइंट्स आपको डिटेल किए हैं इसको फिर पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आने वाले दिन में बहुत सारी लगातार वीडियोज एवरी वीक आने वाली हैं, तो आप रेडी रहिए अपने लिए और लोगों को बताइए, ताकि हम लोग कनेक्टेड रहिए ग्रीन पैंट के साथ, ताकि नई नई चीजें आपको सीखने को मिले। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग अपने घरों में सेफ रहो, सबका ध्यान रखो, खुद का ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच।